नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है RCET पार्ट 6, जिसके हम अंदर हम MS Word से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके सभी क्वेश्चंस। राम कंप्यूटर इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको भेजते रहें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में जब टेक्स्ट का चयन करते हैं तो स्वतः क्या दिखाई देता है? टास्क बार, मेन टूल बार, मिनी टूल बार या फिर स्टेटस बार? दोस्तों इसका सही आंसर है मिनी टूल बार। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग फॉन्ट साइज को आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या फिर एल्ट प्लस प्लस? दोस्तों इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या फिर आउटलाइन व्यू? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट या फिर उपरोक्त से कोई नहीं? दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम बताओ। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम ऑप्शन हैं .psd, .docx, .pptx या फिर .docs? मित्रों इसका सही आंसर है .docx। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल प्लस एंड या फिर डाउन बटन? दोस्तों इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एंड की। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य क्या है? MS वर्ड में वेब लेआउट से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने के लिए, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए, डॉक्यूमेंट को जैसा कि सेल फोन में देखने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने हेतु, पृष्ठ में विषय वस्तु में पीछे छिपा हुआ टेक्स्ट डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग पृष्ठ में विषय वस्तु के पीछे छिपा हुआ टेक्स्ट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट खोजना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एफ या फिर कंट्रोल प्लस एच? दोस्तों टेक्स्ट को खोजने की अर्थात फाइंड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होती है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? पृष्ठ से संबंधित दिशा निर्देश, पृष्ठ का आकार, पृष्ठ लेआउट या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों MS वर्ड में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप पृष्ठ से संबंधित दिशा निर्देश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसॉरस टूल बार किस कार्य में प्रयुक्त होता है? स्पेलिंग सुझाव में, व्याकरण विकल्प, पर्यायवाची विलोम शब्द या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसर्स टूल बार पर्यायवाची व विलोम शब्द में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है? 8x72, 8x64, 12x72 या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार की फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व बड़ा आकार 8x72 होता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने किसी किए गए या किए गए कमांड के पूर्ववर्ती स्थिति में जानने के लिए किस फीचर का प्रयोग करेंगे? ड्रैग, बूट, कट या फिर अंडू? दोस्तों इसका सही आंसर है अंडू। अगला क्वेश्चन है, विंडोज के लिए खुलने वाला स्क्रीन पटल और जहां से आप कंप्यूटर का कार्य करना स्टार्ट करते हैं वह क्या कहलाता है? अर्थात कंप्यूटर की वह पहली स्क्रीन जहां से आप काम करना प्रारंभ करते हैं? ऑप्शन हैं टास्क बार, डायलॉग बॉक्स, डेस्कटॉप या फिर इंसर्शन पॉइंट? दोस्तों जहां से हम काम करना प्रारंभ करते हैं उस जगह को डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड को खोलने के लिए रन में क्या कमांड लिखी जाती हैं? msword.exe, winword.exe, msword.exe या फिर word2007.exe? दोस्तों MS वर्ड को रन कमांड से खोलने के लिए winword.exe कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में गटर मार्जिन की स्थिति को किस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? बाएं और दाएं, बाएं और ऊपर, बाएं और नीचे या फिर केवल बाएं? दोस्तों MS वर्ड में गटर मार्जिन की स्थिति बाएं और ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन,
एमएस वर्ड में रिबन पर किन चीजों को क्रमवार जोड़ने पर बनता है? गेट्स, विंडोज, टेब व डोर्स। दोस्तों एमएस वर्ड में रिबन टेब्स के क्रमवार जोड़ने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट में हेडर व फुटर जोड़ने का मूल मकसद क्या होता है? डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन सुधारने के लिए, पेज की शुरुआत व अंत में मार्क करने के लिए, बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने हेतु, या फिर डॉक्यूमेंट पर पेज हेडर व फुटर प्रिंट करने के लिए। दोस्तों हेडर व फुटर जोड़ने का मूल मकसद डॉक्यूमेंट पर पेज हेडर व फुटर प्रिंट करना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग वैध नहीं है? सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग या फिर मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। दोस्तों एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग सिंगल भी होती है, डबल भी होती है व मल्टीपल भी होती है, तो इसका आंसर ट्रिपल होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस व एनग्रावे किस कारण जाने जाते हैं, या फिर ये क्या होते हैं? फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट या फिर वर्ड आर्ट। दोस्तों ये सब फॉन्ट इफेक्ट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वैध पेज मार्जिन नहीं है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर टॉप। दोस्तों इसका सही आंसर है सेंटर, क्योंकि एमएस वर्ड में पेज मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट व गटर मार्जिन होता है, अर्थात सेंटर पेज मार्जिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने में सहायता करता है? मैक्रो, पैम्पलेट, मेल मर्ज या फिर कोई नहीं। दोस्तों एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने में मेल मर्ज काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइपरलिंक को रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने हेतु क्या किया जाता है? एडिट हाइपरलिंक, सिलेक्ट हाइपरलिंक, कन्वर्ट हाइपरलिंक या फिर रिमूव हाइपरलिंक। दोस्तों एक हाइपरलिंक को रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिमूव हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है, अर्थात कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है? ओपन ऑफिस 2007, ओपन ऑफिस 2003, ओपन ऑफिस 2005 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संस्करण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल। दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दो ऑप्शन होते हैं इस वर्ड में। यहाँ पर पूछ रहे हैं सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस इक्वल, और सुपर स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन है, किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार एक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन मंजिला ब्रैकेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जाँच सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दवाई जाती है? F5, F6, F7 या फिर F9। दोस्तों इसका सही आंसर है F7। अगला क्वेश्चन है, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। दोस्तों रेखांकित करने का मतलब होता है अंडरलाइन करना, और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कम्प्लीट फीचर, फॉर्मेटिंग या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए ऑटो करेक्ट फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की ऑप्शंस हैं ऑल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच या फिर कंट्रोल प्लस एम। दोस्तों इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? व्यू टैब पर, ऑफिस बटन पर, एडिट टैब पर या फिर इंसर्ट टैब पर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑफिस बटन या फिर फाइल मेनू। अगला क्वेश्चन है, जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार में बदल जाता है, मतलब हैंड के आकार में बदल जाता है। ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक पर, बुकमार्क या फिर क्रॉस रेफरेंस और ड्रॉप कैप। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइपरलिंक पर। जब भी यूजर हाइपरलिंक पर अपना जो है माउस का कर्सर लेके जाता है तो वह हाथ के आकार में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है? डॉक्यूमेंट में पिक्चर को काट किसी भी भाग को काटना है तो इसके लिए कौन सा विकल्प होता है? ऑब्जेक्ट, क्रॉप, एओ बी दोनों या फिर रोटेट। दोस्तों किसी भी भाग को काटने के लिए क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन हैं फॉर्मेट टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब या फिर व्यू टैब। दोस्तों मॉडिफाई करने के लिए फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8 इंच या फिर 1 इंच। दोस्तों इसका सही आंसर है 0.5 इंच। अगला क्वेश्चन, व्यू टैब में रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? व्यू टैब में रूलर कमांड का प्रयोग हम क्यों करते हैं? रूलर बार को दिखाने और छिपाने के लिए, रूलर बार का नाम बदलने के लिए, तथा वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रूलर का प्रयोग व्यू टैब में रूलर को दिखाने और छिपाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में लेने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? अर्थात सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल एम, कंट्रोल ई व कंट्रोल प्लस एल। दोस्तों टेक्स्ट को सेंटर में लाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल प्लस एक, कंट्रोल प्लस दो, शिफ्ट प्लस एक या फिर शिफ्ट प्लस दो। दोस्तों डबल लाइन स्पेसिंग छोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस दो होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड रैप की विशेषता बताइए। टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में दिखाई देता है, टेक्स्ट पर टंकण करने में मदद करता है या फिर यह डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाई जाने वाली आड़ी रेखा है। दोस्तों वर्ड रैप टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है रूलर बार के द्वारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ए तथा बे दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ए व बे दोनों के द्वारा, क्योंकि मार्जिन हम रूलर से भी सेट कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाकर मार्जिन ऑप्शन से भी चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नंबर, बुलेट, डिजाइन या फिर लेआउट। दोस्तों टेक्स्ट के सामने जो गोला, स्टार आदि बने होते हैं उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कहाँ क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग कर सकते हैं? अर्थात क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है? स्टेटस बार पर, मेन्यू बार पर, टूल बार पर या फिर टाइटल बार पर? दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार पर उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या रूलर स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होता है? टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या फिर सेंटर इंडेंट। दोस्तों रूलर स्क्रीन पर सेंटर इंडेंट उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सेंटर इंडेंट कोई भी प्रकार का इंडेंट नहीं है। दोस्तों आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी परेशानी आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके भी जो भी ये परेशानी उसको सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए क्या दबाते हैं? नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए ऑप्शन हैं यहाँ पर डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। दोस्तों नया पैराग्राफ लेने की शॉर्टकट की होती है एंटर की। अगला क्वेश्चन है, आप डॉक्यूमेंट में बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर, पेज पर या फिर सभी पर? दोस्तों डॉक्यूमेंट में बॉर्डर का प्रयोग सभी पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप मीन्स क्या होता है? ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, टाइटल केस या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों ड्रॉप कैप का मतलब होता है पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा, इसका मीन ये तीनों ही नहीं होंगे तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट चेंज की मॉनिटरिंग करता है? एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटर चेंजेस, ट्रैक चेंजेस या फिर ट्रैक होल। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा वो है ट्रैक चेंजेस। अगला क्वेश्चन है, कॉलम कमांड कौन से टैब में होती हैं? कॉलम कमांड ऑप्शन दे रखे हैं व्यू टैब में, होम में, पेज लेआउट या फिर इंसर्ट टैब में। दोस्तों कॉलम कमांड पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सेलेक्टिंग ए वर्ड, एन एंट्री सेंटेंस, फुल डॉक्यूमेंट या फिर एन ऑफ द अबव। दोस्तों सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स होता है सभी, किसी को भी सिलेक्ट करना टेक्स्ट सेलेक्टिंग कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा एन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड इटैलिक और रेगुलर क्या होते हैं? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या फिर टेक्स्ट इफेक्ट। दोस्तों बोल्ड इटैलिक और रेगुलर ये सारे जो होते हैं ये होते हैं फॉन्ट के स्टाइल्स। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।